कभी चुनाव में अपने दावे को लेकर पलटे तो कभी किसी पर लगाए आरोप से। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीलिंग को लेकर अनशन की बात से भी पलट गए हैं। ऐसे में केजरीवाल को पलटूराम न कहा जाए तो फिर क्या कहें। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि शहर में अगर सीलिंग की कार्यवाही 31 मार्च तक नहीं रुकी तो वो अनशन करेंगे, लेकिन अब उन्होंने अपने इस प्रस्तावित अनशन को टाल दिया है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट 2 अप्रैल से सीलिंग के मामले की रोजाना सुनवाई करने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट 2 अप्रैल से सीलिंग के मामले में रोजाना सुनवाई करने जा रहा है और आप सरकार ने इस मामले में 2 वकीलों को नियुक्त किया है। पार्टी ने सफाई दी है कि कई व्यापारी संगठनों और वकीलों ने केजरीवाल से अनशन नहीं करने की अपील की थी क्योंकि इससे कोर्ट नाराज हो सकता है। इसीलिए अभी हालात की मॉनिटरिंग की जाएगी और यही वजह है कि केजरीवाल ने अपना अनशन टाल दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में सेलिंग को लेकर व्यापारियों में बेहद नाराजगी है। वहीं विपक्ष ने अनशन कैंसिल करने पर केजरीवाल पर हमला किया है। कांग्रेस ने तंज करते हुए कहा कि सीलिंग को लेकर केजरीवाल का विरोध केवल इवेंट मैनेजमेंट था, अगर वो अनशन करेंगे तो फिर व्यापारी क्या करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि केजरीवाल का एक और यू टर्न, अब वो भूख हड़ताल नहीं करेंगे। लेकिन ये कोई नया नहीं है, उनका पूरा राजनीतिक करियर ही लोगों की उम्मीदों को बढ़ा देना और फिर दूसरी दिशा में बढ़ जाना है। आपने दिल्ली के व्यापारियों और दिल्ली वालों को एक बार फिर से धोखा दिया है।